है ये मन्नार का फैसला गलत था। इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जालौन के ये अमेरिका में प्रमुख उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम का बयान आया है, मन्नार का फैसला गलत और अनुचित। फ्रैंक इस्लाम का बयान, एएमयू के कार्य लोगों को जोड़ने के अनुरूप नहीं, हमें इसकी तह में जाना होगा, कैसे बना आतंकी फ्रैंक। ये फ्रैंक ने कहा है, हम इससे क्या सीख सकते हैं आगे ऐसा ना हो, ये भी फ्रैंक ने कहा है। इस तरह की चीजों को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है, ऐसी जगह नहीं है जहां लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बीच फ्रैंक इस्लाम एएमयू के विकास के लिए हर दम तैयार हैं। फ्रैंक एंड जेवी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स बनवाया है एएमयू में, 13 करोड़ रुपए से कॉम्प्लेक्स बनवाया है। ये बड़ी खबर। इस बीच मन्नान का फैसला गलत था, अमेरिका में प्रमुख उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम का बयान सामने आया। एएमयू के कार्य लोगों को जोड़ने के अनुरूप नहीं, हमें इसकी तह तक जाना होगा, मन्नान कैसे आतंकी बना ये समझना होगा, इसके तह तक जाना होगा, हम इससे क्या सीख सकते हैं आगे ऐसा ना हो, ये भी फ्रैंक ने कहा है। इस तरह की चीजों को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। फ्रैंक इस्लाम अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति हैं और अलीगढ़ से उनका खासा लगाव भी रहा है। एएमयू के लिए उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया है। एएमयू में 13 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स बनवाया है। मन्नान का फैसला गलत था ये कहा है फ्रैंक इस्लाम ने, अमेरिका में प्रमुख उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम का बयान आया। ये बड़ी खबर। इस बीच आप देख रहे हैं, एएमयू की कार्य लोगों को जोड़ने के अनुरूप नहीं है, ये भी बयान दिया है फ्रैंक इस्लाम का। ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसकी तह तक जाना होगा। हिंदुस्तान के रहने वाले थे फ्रैंक इस्लाम और इस वक्त अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ और आज अमेरिका में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति हैं फ्रैंक इस्लाम और जब भी हिंदुस्तान आते हैं, आजमगढ़ आते हैं, तो आजमगढ़ के विकास के लिए इन्होंने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं।